आज हम लोग पढ़ेंगे चरक संहिता सूत्र 2। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चतुष्क की अगर बात करें तो भैषज चतुष्क जो है, पहला जो ट्रिक बताया था भैसनिक, भैषज, स्वास्थ्य, निर्देश और कल्पना चतुष्क जो स्टार्टिंग के चार चतुष्क हैं। प्रत्येक चतुष्क में चार चार चैप्टर हैं। आपको बताया था DAAS, ठीक है? तो डी फॉर दीर्घन जीवती हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा ए से अपामार्ग कंडली अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि अंतः परिमार्जन वाले द्रव्य हमको पढ़ने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अंतः परिमार्जन वाले द्रव्यों को पढ़ेंगे। अंतः परिमार्जन मतलब जिन द्रव्यों का हम इंटेक करते हैं, ठीक है ना? अंतः परिमार्जन। अभी इसके बाद हम लोग लेप वगैरह पढ़ेंगे तो बाह्य परिमार्जन हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है? तो सर, अपामार्ग तंडुली, हाँ क्या सर हुआ? आपने कहा था कि स्टार्टिंग में 15 बार रिवीजन कराएंगे और उसके जो बाद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए ना, हमको पता है जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। वैसे भी जो बोलता हूँ मैं नहीं करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो जरूर करता हूँ। ओके सर। लाइव चल रहा है, ठीक है? मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर खत्म करना है मुझे। तो इसमें जो है अंतः परिमार्जन द्रव्यों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इसी चैप्टर में मैं आपको बता दूं पंचकर्म शब्द भी आया है, और शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, इन इनमें उपयोगी द्रव्य एवं उनका प्रयोग, युक्ति का महत्व, 28 यवागु और चिकित्सक के गुण, ये इतनी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? क्लियर? पूछेंगे हम आपसे, रिवाइज कराएंगे, पूछेंगे, लेकिन मुझे पता है ना पढ़ के आए हो, मुझे पता है पढ़ के आए हो। कभी सडनली कभी भी आपसे रिवाइज कराएंगे, पूछेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। हमने आज के लिए कहा, ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग में। तो लिखिए कुछ बातें पहले। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय। विरेचन द्रव्यों के, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय, छओ के नाम लिखिएगा। मूल पत्र त्वक, मूल पत्र त्वक, पुष्प फल, प्लस क्षीर, क्षीर यानी 5 प्लस क्षीर हो गए। उसको एक लिख लीजिए, 5 प्लस क्षीर। क्यों लिखा रहे हैं भी बताते हैं, 5 प्लस क्षीर। ये तो हुए विरेचन द्रव्यों के आश्रय। वहीं पे सार लिख के क्रॉस कर दीजिएगा। विरेचन द्रव्यों का आश्रय जो है सार नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो 6 आश्रय कौन कौन से हुए? मूल, पत्र, त्वक, पुष्प, फल और लास्ट में हमने लिखाया क्षीर। तो 5 जो है, बगल में लिखिएगा शिरो विरेचन द्रव्य आश्रय। शिरो विरेचन द्रव्य के आश्रय लिखिएगा, उसमें संख्या इसकी होती है 7। 7, 7 कौन से हैं? 5 प्लस 5, वही वाले जो वहां पे आपने लिखे हैं स्टार्टिंग के, मूल, पत्र, त्वक, पुष्प और फल। उसको लिख लीजिएगा, पूरा पूरा लिख लीजिएगा। मूल, पत्र, त्वक, पुष्प, फल, प्लस कंद प्लस निर्यास, कंद प्लस निर्यास। ये हो गए 7 विरेचन, शिरो विरेचन द्रव्यों के यानी नस्य वाले द्रव्यों के आश्रय। एक और पॉइंट करिए, शिरो विरेचन द्रव्यों में, शिरो विरेचन द्रव्यों में
मधुर एवं अम्ल रस नहीं होता है। शीरो विरेचन द्रव्यों में मधुर एवं अम्ल रस नहीं है। बुक में देखिएगा, स्टार्टिंग में ही विमर्श में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब बातें हम लोग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हम लोग मूलिनी फलनी हमने आपको बताया था। मूलिनी कैसे याद करेंगे? मूस 16, फलनी फन 19। तो मूलिनी फलनी, फिर उसमें भी हमने आपको सारा का सारा ट्रिक से क्लासिफिकेशन बताया है। जो पहली बार क्लास कर रहे हैं वो यूट्यूब पे देखेंगे, सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है कैसे याद करते हैं। अगर नहीं हो तो उसको दोबारा अपलोड कर देंगे, शायद वो लेक्चर नहीं होगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ, पिछले अध्याय में हम लोग मूलिनी फलनी पंचकर्म में प्रयुक्त औषधियों का वर्णन कर चुके हैं। अब पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियों तथा पंचकर्म के सैद्धांतिक पक्ष के वर्णन के लिए इस अध्याय में बात करेंगे। ऐसा चक्रपाणि का मत है। यहाँ अपामार्ग बीज, ध्यान से देखिएगा, चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय रखा गया है। वही कह रहे हैं, अपामार्ग बीज न के कहकर अपामार्ग तंडुल कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल भूसी रहित चावल लेना चाहिए, उसका छिलका है ऊपर का, वो छिलका हटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो अपामार्ग तंडुल का मतलब निस्तुष कहते हैं, उसका छिलका हटा देते हैं जो उसको, तो अपामार्ग तंडुल कह रहे हैं छिलका रहित चावल को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह, ड्रग्स यूज इन पंचकर्मा थेरेपी। पहले हम बुक से बता रहे हैं, फिर जो हमको लिखाना होगा अभी लिखाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बुक खोला है सबने ना? यस सर। कॉपी पेन भी लेके बैठिएगा, अभी लिखा रहे हैं सर। तो देखिए, पहला ही द्रव्य आया है उसमें अपामार्ग। अगर हम शिरो विरेचन द्रव्य की बात कर रहे हैं तो पहला ही द्रव्य आया है उसमें अपामार्ग। अभी हम लोगों ने पीछे अपामार्ग पढ़ा था, प्रत्येक पुष्पी किसमें था? फलनी द्रव्य में। फलनी में था कि किसमें था? मूलनी में था। फलनी में था। फलनी में था। प्रत्येक पुष्पी फलनी द्रव्यों में था। प्रत्येक पुष्पी को वही एकाइरन्थस एस्परा अपामार्ग बोलते हैं, चिरचिटा बोलते हैं, जो भी आपको नाम देना हो। एमरेंथेसी फैमिली अपामार्ग चिरचिटा एमरेंथेसी फैमिली, ठीक है ना। तो वही अपामार्ग है, सबसे पहले अपामार्ग की बात किया उन्होंने। ध्यान से देखिएगा, अपामार्ग बीजानी, यहाँ पे बीज बोल दिया है, अपामार्ग तंडुल यहाँ नहीं कहा, यहाँ अपामार्ग बीज कह दिया। यही थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे अपामार्ग तंडुल नहीं कह के बीज कहा गया है। फिर देखिएगा, पिपली आया होगा, मरीच आया होगा। तो अगर हम त्रिकटों की बात करें तो क्या नहीं है? सुंठी नहीं है, है ना। तो सुंठी क्रॉस कर लीजिएगा, यहाँ पे भी नहीं आया। आया है लास्ट में, देखिएगा आखिरी लाइन, देखिएगा नीचे से तीसरी लाइन मिला, सोंठ। जल्दी बोलो भाई, यस सर। नागर नागर, हम तो त्रिकटु अलग लिखे उसको, त्रिकटु करिए। अपामार्ग त्रिकटु, विडंग जिसको क्रिमिघ्ना नाम बोलते हैं, विडंग भी आया हुआ है। शिग्रु जो याद कर सकते हैं वही हम बता रहे हैं। एक आया होगा पृथ्वी का, सेकेंड लाइन देखिए, पृथ्वी का, बड़ी एला को पृथ्वी का कहते हैं, जो बड़ी इलायची हम लोग किचन में यूज करते हैं उसका नाम है पृथ्वी का। तुलसी आप जानते हैं, तुलसी को बोलते हैं, यहाँ पृथ्वी का मंगरेला को बोल रहे हैं। वैसे आप देखेंगे जब द्रव्यगुण वाली बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पृथ्वी का बड़ी इलायची को बोलते हैं, ठीक है। और उसमें और याद करने लायक आपको शीघ्र हो ही गया, हरेणुका। हरेणुका आपको कई जगह मिलेगा शिरो विरेचन, हरेणुका को अंडरलाइन करिएगा। लवण द्वय, लवण द्वय को अंडरलाइन करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, विडंग भी है जो कृमिघ्न है, और शिरीष जो विषक ने बताया है अग्र में। हम जानते हैं अग्र में विडंग और कृमिघ्ना नाम बताया है, और शिरीष को विषग्ना नाम, दोनों यहाँ पे आए विषक हुए हैं। देखिए शिरीष भी आया है, विडंग भी आया है, दोनों को अंडरलाइन करिएगा आप। और एक इम्पोर्टेंट होगा, हरिद्रा आया होगा, हरिद्रे, हाँ तीसरी लाइन में तीसरा शब्द, हरिद्रे को अंडरलाइन करिएगा। और रसोन भी आया है इसमें, लसुन। अब हमने आपको बताया है कि आचार्य चरक ने और चाहे वाग्भट ने उत्तमांग कहा है, ऐसा है। उत्तमांग के बाद एक लाइन उन्होंने बताया, नासा ही शीर्षो द्वारम, जब नस्य की बात कही है तो
उन्होंने बताया कि सिर को उत्तमांग कहा क्योंकि सभी इंद्रियां जो हैं शिरह प्रदेश में होती हैं और नासिका को शिरह प्रदेश का द्वार कहा गया है। तो नस्य कर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, हम बता सकते हैं कि नासिका को शिरह प्रदेश का द्वार कहा गया है और सारे जितने इन्फेक्शन और नाक से, इसीलिए शिरोविरेचन का इम्पोर्टेंट। जब पंचकर्म अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब देखिएगा इस शिरोविरेचन का लाभ क्या क्या होता है, लास्ट लाइन, गौरवे शीर्षा शूले पीनुष अर्धाव भेदक है, मिला गुरुता रहेगा शिरह प्रदेश में, भारी भारी हैवीनेस रहेगा, शूल रहेगा, पीनस अर्धाव भेदक यानी माइग्रेन अगर रहता है, और कृमि में है, अपस्मार को अंडरलाइन करिएगा, अपस्मार घ्राण नाश देखा होगा आप, अपस्मार या कोई अगर बेहोश हो जाता है, मूर्छा भी रहता है तो बहुत तीक्ष्ण द्रव्यों का नस्य अगर नासिका में डाल देते हैं तो उठ के बैठ जाता है, तो नस्य का प्रयोग वहां पे भी शिरोविरेचन का करते हैं। प्रमोह के जो आया है वो मूर्छा के लिए आया है, मतलब जिसका मतलब प्रमोह की क्या कहेंगे उसको, मतलब अचेता अवस्था कह सकते हैं उसको, है ना, कोई अचेता अवस्था में है तो वहां भी नस्य का प्रयोग हम लोग शिरोविरेचन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज लिखा है घ्राण नासिक, घ्राण नासिका को बोलते हैं, नासिका का कर्म होता है गंध ज्ञान को लेना, तो गंध ज्ञान न ले पाने पे भी वहां पे भी हम शिरोविरेचन का प्रयोग कर सकते हैं। जो पैसेज है जिसकी वजह से ब्लॉकेज, जो गंध का ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो ब्लॉकेज तीक्ष्ण द्रव्यों का नस्य लेने से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पहले पेज की बात। तो हमने आपको जो जो चीजें बताई हैं, विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6, शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रय 7, है ना, स से शिरो, स से सात, ऐसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक याद करिएगा दूसरा अपने आप कभी गलत नहीं होगा। तो विरेचन 6 हो गए और शिरोविरेचन स से शिरो और स से सात। वैसे भी हम लोग विरेचन के 6 चैप्टर पढ़े हैं कल्प स्थान में, ठीक है ना, सुधा के 7 दांत ऐसा कुछ करके जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था, है ना। तो विरेचन वाले 6 आश्रय याद रखिएगा, पेज पलटिए, लिखिएगा ऊपर एला वमनार्थ, एला वमनार्थ, एला यानी छोटी इलायची, पीलू विरेचन, ये सब हमने अपने से नोट किया है जो हमको पढ़ते समय चीजें मिली, पीलू बीज शिरोविरेचन, पीलू बीज शिरोविरेचन, मदन फल वमन आस्थापन अनुवासन, मदन फल वमन आस्थापन अनुवासन, तो मदन फल को केवल वमन में नहीं बताएंगे, आस्थापन अनुवासन भी करता है रेंडिया स्पाइनोसा रूबियेसी फैमिली, ठीक है। फिर इसके बाद एरंड, एरंड हम जानते हैं वृक्ष, एरंड मूलम वृक्ष वात हराणा, अग्रह में पढ़ेंगे एरंड मूलम वृक्ष वात हराणा, ठीक है, रासना वात हराणा, ये सब सब चीजें वहां पे हम पढ़ेंगे, इसलिए बोलते रहते हैं बार बार सुनेंगे तो याद हो, वहां पे 152 के 152 द्रव्य लगातार पढ़ा देंगे तो नहीं, तो धीरे धीरे हम आपको जैसे हमने विडंग बताया है ना, शीर्ष बताया, तो ये सब चीजें धीरे धीरे सुनते सुनते भी कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम वहीं उसी चैप्टर में चलेंगे तभी बोलेंगे, तो जो एक एक करके बताते रहते हैं उसको भी नोट करते रहा करिए। एरंड वृक्ष, एरंड मूलम, ध्यान से सुनिएगा, एरंड नहीं, एरंड मूलम वृक्ष वात हराणा, और रासना वात हराणा, और शायद विदारी गंधा का जहां तक मुझे याद आ रहा है वृक्ष सर्वदोष हराणा, विदारी गंधा वृक्ष सर्वदोष हराणा, और लिखिएगा गोक्षुर, कोई बताएगा गोक्षुर का, मूत्र कृच्छ अनिल हराणा, गोक्षुर मूत्र कृच्छ अनिल हराणा, तो यहां पे आया हुआ है एरंड आस्थापन अनुवासन, यानी मदन फल से एक कम क्या हो गया वमन, तो एरंड है आस्थापन अनुवासन में। अगला लिखेगा त्रिफला, हरित की विभिद की आम्ल की, त्रिफला किसमें है विरेचन में,
त्रिकटु शिरो विरेचन, अभी बताया हमने आपको त्रिकटु शिरो विरेचन, त्रिकटु शिरो विरेचन, पीलू, अभी आपने पीलू विरेचन लिखा था ना, यस, वहीं पे शिरो विरेचन भी लिख लीजिए, विरेचन कॉमा शिरो विरेचन। इम्पोर्टेंट था आपका शिरो विरेचन के कर्म क्या क्या हैं। अभी हम लोग जब पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा, तो सब एक जगह हम लोग समराइज कर लेंगे पूरा का पूरा वहां पे। नस्य पीलू, सर पीलू बीज शिरो विरेचन लिखवाए हैं। हाँ तो हम दोनों में बता रहे हैं ना, पीलू जो है विरेचन और शिरो विरेचन दोनों में है। अच्छा वहाँ पीलू बीज था, यहाँ पीलू, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर पूछेगा तो आप बोध आंसर लगाएंगे। अगर उसको सेपरेट सेपरेट लिखना चाहें तो पीलू बीज शीर्ष विरेचन और विरेचन में जो है पीलू बताया गया है, लेकिन बोध करिए पीलू जो है शीर्ष विरेचन और विरेचन दोनों में। याद करिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग के छह चैप्टर का ट्रिक क्या था, कल्प स्थान मदनम मधुकम निम्बम जी मूतम कृतवेदनम पिपली कुड़जे इच्छाकु एला धामार्गवाण इच्छा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिएगा मदन और जी के बीच में मधुक और निम्ब भी आ गया है, ठीक है ना। तो ये श्लोक थोड़ा सा याद करिएगा, सातवां ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सारे के सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं, मदनम मधुकम निम्बम जी मूतम कृतवेदनम। थोड़ा सा सीक्वेंस ही बदल गया है, इच्छुआकु पीछे चला गया है, फिर पिपली आ गया है, फिर कुटज भी आया हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी वमन द्रव्य हैं, संख्या है 10, लिख लीजिएगा 10, जहां वमन द्रव्य हिंदी में लिखा हुआ है उसी के ऊपर लिख लीजिएगा 10। एला भी आया हुआ है फर्स्ट लाइन में, देखिए एला मिला। अब जो जो हमको कुछ अलग मिल रहा है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं पता था कि ये भी वमन कराता होगा, उसके बारे में निशान लगाया। मधु यानी मुलेठी भी वमन कराएगा, जब छोटा उ की मात्रा रहेगा मधुक में तो यानी कि मुलेठी की बात हो रहा है, बड़ा उ का मात्रा हो जाएगा मधु तो वो महुआ की बात होता है, तो मधुक यानी मधुयष्टि मुलेठी। निम्ब जी मूतक कृतवेदनम हम लोग जानते हैं, उसमें रटने की आवश्यकता नहीं। पिपली इसको अंडरलाइन करिएगा। अब सोंठ मरीच पिपली की अगर बात करें तो पिपली दोनों में मिला, किसमें अगर अलग अलग बात करें, पिपली आपका शिरो विरेचन में भी पीछे आया और वामन में भी आया। फिर इसके बाद बात करते हैं कुटज की, कुटज पोलेरिना है ना। तो कुटज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल, वहां पे ध्यान दीजिएगा कुटज हमने आपको कहाँ पढ़ा, मदन जी अच्छे धावक। तो वत्सक जो हमने बताया था कि वत्सक को क्या बोलते हैं, कुटज बोलते हैं, उसके योग कितने थे 18 बताए थे, याद आ रहा है, वत्स 18 उसके ऊपर नीचे 60 होते हैं, यानी कि वत्सक भी हो गया कुटज। फिर इसके बाद इच्छुआकु हम लोग जानते हैं एला, वहीं लिख लीजिए वत्सक यानी कुटज यानी वत्सक, इसे याद रहे। अब आइए हिंदी पढ़ते हैं, मदनफल मुलेठी निम्ब है ना, जीमूतक कृतवेदनम पिपली कुटज और इच्छुआकु एला धामार्गो, इन द्रव्यों का कफ और पित्त की वृद्धि और आमाशय की व्याधियां होने पर, यानी कि पीके लिख लीजिए वहीं पे, पीके श्लेष्म पित्ते, श्लेष्म पित्ते क्या हुआ पीके, आमाशय की व्याधियों में, व्याधि आमाशय आश्रय, आमाशय की व्याधियों में हम जानते हैं वैसे भी वमन कहाँ के दोषों के लिए कराएंगे, आमाशय के लिए, पक्वाशयस्त रहेगा तो विरेचन कराते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कि निकटवर्ती मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, ऐसा कभी बताया हमने 2-3 लेक्चर पहले, निकटवर्ती मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। यस सर, वमन जो है आमाशयस्थ और पक्वाशयस्थ दोषों को हम लोग विरेचन के द्वारा बाहर निकालेंगे, और शिरा प्रदेश में शिरो विरेचन के द्वारा बाहर निकालेंगे, नस्य के द्वारा निकालेंगे। इसके बाद आपको हम बताएं और क्या बताना है, कुछ छूटे ना भाई, ये हमने आपको बता दिया कि शिरो विरेचन द्रव्यों में मधुर एवं अम्ल रस नहीं होता है, लिख लिया ना, यानी शिरो विरेचन द्रव्य एम ए क्रॉस कर दीजिएगा वहां पे जहाँ पे लिखा है, यानी शिरो विरेचन द्रव्यों ने एम ए नहीं किया हुआ है, मधुर अम्ल शुरू के 2 नहीं है, बाकी के 4 उसमें रस होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं विरेचन द्रव्य, ये हम लोगों ने बात किया वमन द्रव्य, फिर आगे आता है विरेचन द्रव्य, देखिएगा विरेचन द्रव्य की बात
9 और 10 नंबर श्लोक, त्रिवृत त्रिफला, यही कंफ्यूजन होता है, त्री से तीन, या त्रिवृत तो अलग प्लांट ही है, ओपरकुलम, ठीक है ना, तो त्रिवृत हो गया, त्रिफला आप जानते ही हैं, अभी हमने लिखाया भी त्रिफला के बारे में, दंती हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, नीलिनी सप्तला, वचा को अंडरलाइन करिएगा, वचा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया होगा अभी कि वचा जो है अगर डोज बढ़ा देते हैं तो वामक का कार्य करता है, याद आ रहा है वो लेक्चर? यस सर, वचा को जब वैसे तो मेध्य का कार्य करता है, लेकिन जब डोज बढ़ा देते हैं तो वो वामक का कार्य करता है, लेकिन यहाँ चरक के, चरक ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें विरेचक में रखा है, ठीक है ना, तो एक कर्म हमको ये भी समझ में आया कि वचा विरेचन का भी कार्य करता है, वचाम, ठीक है। उसके बगल में आया है कंपिल्लक, हमने कंपिल्लक का बताया था कि जो डॉर्सल सरफेस होता है रेडिश होता है, कुछ ऐसा हमने कंपिल्लक का बताया था, कैसे पहचान करते हैं उसकी पत्तियों का, थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश होता है, तो कंपिल्लक हो गया, रेड फ्रूट्स होते हैं, हाँ, गवाक्षी, गवाक्षी को अंडरलाइन करिएगा, और छिरणी, उद्कीर्या, प्रक्रिया उद्कीर्या आपको हम बता चुके हैं, वही उद्कीर्या है यहाँ पे, देखिएगा, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट पढ़िएगा, हिंदी में मत जाइएगा यहाँ पे। और पीलू यहाँ पे आया, अरगवध आया, अभी हमने आपको पीलू बताया, दोनों में है विरेचन, शिरो विरेचन दोनों में है, तो पीलू आ गया, अरगवध हम जानते हैं, द्राक्षा मुनक्का को बोलते हैं, द्राक्षा को अंडरलाइन, द्रवंती, तो सब बिखरे पड़े हैं। तो पहला द्रव्य क्या है विरेचन वाले चैप्टर का, सातवें चैप्टर का नाम क्या है? श्यामा, हाँ, श्यामा के चित्र पर तिल, ऐसा कुछ करके बताया था, सुधा के साथ दांत, अब देख लीजिएगा उसमें से कौन कौन सा यहाँ पे है, कौन कौन सा नहीं है, है ना, तो द्रवंती भी हो गया, निचुल भी है, लकुच और निचुल अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लकुच मतलब बढ़र होता है, यहाँ निचुल लिखा हुआ है, जलवेतस को कह रहे हैं। इन औषधियों का प्रयोग ध्यान से देखिएगा, पक्वाशय गते को अंडरलाइन करिएगा, तो आमाशय गते वमन में आया और पक्वाशय गते विरेचन में आया, ठीक है। आगे बढ़े, आस्थापन की बात करते हैं, आस्थापन यानी निरूह बस्ती का एक प्रकार है, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती, ब्रीफ में बता दें, अगर हमको बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताना है, अभी पंचकर्म आपने नहीं पढ़ा है, तो जो आस्थापन बस्ती होता है वह रूक्ष होता है, क्वात प्रधान होता है, आस्थापन बस्ती रूक्ष है, क्वात प्रधान है, और अनुवासन बस्ती में स्नेह की प्रधानता होती है ना, तो उत्तर बस्ती जो मूत्र मार्ग से दी जा रही है, योनि मार्ग से दी जा रही है, वो उत्तर बस्ती हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं आस्थापन बस्ती में कौन कौन से द्रव्य प्रयोग हो रहे हैं, तो सबसे पहला ही द्रव्य उसमें होगा पाटला, पाटला को अंडरलाइन करेंगे, अग्निमंथ को अंडरलाइन करेंगे, पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, आपको पता होना चाहिए, बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाक, पाटला, गंभारी या काश्मर, क्या बोलते हैं इनको? बृहत पंचमूल, देखिए सब आया है उसमें, पहली लाइन में देखिए, दशमूल आया, दशमूल आया है पक्का? यस, चालपर्णी, प्रश्नपर्णी, फिर अगली लाइन में आपको एरंड मिला हुआ है, बृहती मिला हुआ है ना, तो अदंष्ट्रा इसी बॉक्सर भी कह रहे हैं, बला है, दशमूल के द्रव्य आपके आ गए आस्थापन बस्ती में, ठीक है, और पाटला को तो बता दिया, एरंड को अंडरलाइन करिएगा, वहीं लिख लीजिएगा, एरंड को विरेचन, वैसे जनरली हम जानते हैं कि एरंड क्या करता है, विरेचन कर्म करता है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लेगा कि चरक ने विरेचन एरंड को किस में रखा है, तो आपका पहला आंसर जाएगा विरेचन द्रव्य में, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो लिख लीजिएगा, एरंड मूल को विरेचन में न रख के आस्थापन एवं अनुवासन में रखा है, आस्थापन एवं अनुवासन पहले भी हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। वहीं देखिएगा, एक कत्रिण आया होगा, कत्रिण मिला, कत्रिण,
तृण भूतृण ये सभी जो है ना, कुछ लोग इसको जो है जोरांकुश मानते हैं। जोरांकुश यानी कि जो हम लोग लेमन ग्रास यूज करते हैं उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ हम नहीं बताएंगे। कत्रिण फिर हो गया, पलाश आया होगा, पलाश कौन डलाएंगे करिए, कुलत यव गिलोय भी आया होगा, गुरुचि, ध्यान दीजिए गुरुचि भी जो है आस्थापन आया हुआ है, पुनर्नवा आया होगा, स पुनर्नवम। तो श्लोक नहीं याद करना है यहाँ पे, अलग अलग द्रव्यों को जैसे गोक्षुर बताया हमने, एरन बताया, पुनर्नवा है, यव है, कुलत है, गुरुच है, हमने आपको बताया था मदन फल तीन में लिखाया था, वमन आस्थापन और अनुवासन। तो सेकंड श्लोक का लास्ट वर्ड देखिए मदनानि च लिखा हुआ है, अंडरलाइन करिएगा, पलाश कत्रिण स्नेहांश च लवणानि च, स्नेह एवं सभी नमक, अभी पीछे दो लवण आया था ना किसी में, किसमें, हाँ यहाँ पे लवणानि यानी यहाँ यहाँ पंच लवण की बात कर दिए, संख्या तो नहीं बताया कि लवणानि यानी सभी लवण की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आस्थापन बस्ती और प्रयोग कर रहे हैं उदावर्त और विबंध आदि में, उदावर्त और विबंध में। तो पंचकर्म शब्द की अगर बात करें तो 14 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड पांच कार्मिक है, अंडरलाइन करिएगा। और ये हम आपको 15 नंबर श्लोक हम लिखा चुके हैं जब पंचकर्म का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर अभी पढ़ाए थे, पंच कर्माणि पूर्वीत मात्रा कालो विचार्यान, ठीक है। ऊपर लिखे डल्हण ने तीन पूर्व कर्म बताए हैं, डल्हण के अनुसार पंचकर्म तीन पार्ट में हम लोग करते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म के तीन पार्ट डल्हण ने बताए हैं, स्नेहन, स्वेदन और पाचन, स्नेहन, स्वेदन, पाचन। पंचकर्म की जब हम बताए थे पंचकर्म के बारे में तो आपको बता चुके हैं कि क्यों इम्पोर्टेंस है, दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचन है, ये वाला श्लोक हमने सूत्र 16 का आपको बताया था, ठीक है ना। और वहाँ पे कुछ और बातें भी हमने आपको बताई थी, और बताया था कि शमन चिकित्सा या लंघन चिकित्सा के द्वारा जो होता है दोष दोबारा, अगर व्यक्ति अपथ्य का सेवन कर रहा है या परिहार काल पे नहीं चल रहा है प्रॉपरली, अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो दोष कदाचित पुनः कुपित हो सकते हैं, व्याधि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर एक बार पंचकर्म यानी संशोधन के द्वारा अगर बाहर निकाल दिया तो व्याधि दोबारा उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। ये हम लोगों ने पंचकर्म की विशेषता बताई थी, वहाँ पे सुषुम्ना का भी बताया था, क्षीणा गृहीतव्या, ठीक है ना, समाह परिपाल्या ऐसे करके आया था वहाँ पे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, युक्ति का महत्व, श्लोक नंबर 16, 16, श्लोक नंबर 16, युक्ति का महत्व यहाँ से देखिएगा, मात्रा आया है, काल आया है, ठीक है। किसी भी औषधि की युक्ति उसकी मात्रा और काल पर निर्भर, वहीं पे देश लिख के क्रॉस कर दीजिएगा कि युक्ति में देश नहीं आया है, देश पे निर्भर नहीं करता है, वो नॉर्थ का है कि साउथ का है कि अनूप का है कि जंगम देश का है, साधारण देश का है। युक्ति की बात जहाँ चरक में सूत्र 2 में बताई, वहां पे उन्होंने देश की बात नहीं की, सिर्फ मात्रा और काल पे आश्रित बताया। या आपकी जो युक्ति रहेगी वैद्य की वो मात्रा और काल पे विचार करेगा, देश पे नहीं। तो देश लिख के क्रॉस करना है, द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। द्रव्य का गुण कर्म ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, वही वैद्य श्रेष्ठ होता है। युक्तिज्ञो द्रव्यम द्रव्य ज्ञानवताम सदा, जिसको जो है युक्ति आती हो कि हमको किस चीज को कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे प्रयोग करना है युक्ति। अभी चौथा चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे षड विरेचन शताशती, तो वहाँ लास्ट में एक श्लोक आएगा, तो वहां पे भी युक्ति की बात इनडायरेक्टली कही है ना। मंदा नाम व्यवहार है, बुद्धा नाम बुद्धिवर्ध है, ऐसा करके वहां पे आएगा, तो बताएंगे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी युक्ति का प्रयोग करके हमारे द्वारा बताए गए इन चिकित्सा को और अच्छे से भी कर सकते हैं, है ना, उनमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ से स्टार्ट होता है 28 यवागु, 28 यवागु की बात करेंगे,
और यही याद करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है, कोशिश करेंगे हम आपको याद कराएंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जैसे हमने आपको वमन द्रव्य में लिखाया था 10, विरेचन वाले में लिख लीजिएगा 17। विरेचन द्रव्य कुल 17 बताए हैं चरक ने, आस्थापन अनुवासन 29, आस्थापन अनुवासन 29, आस्थापन ऑब्लिक करके अनुवासन भी कर लीजिएगा, 29 हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, चरक विमान 8 और सुश्रुत सूत्र 39, चरक विमान 8 सुश्रुत सूत्र 39 दोनों ने वचा एवं ज्योतिषमती को शिरोविरेचक द्रव्यों में रखा है, शिरोविरेचक द्रव्यों में रखा है। तो हम लोगों ने देखा कि औषधि की सम्यक योजना किस पे डिपेंड करती है, मात्रा और काल पे डिपेंड करती है। और कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में एक और पढ़ा था, पुरुषम पुरुषम वीक्ष, ऐसा कुछ करके पढ़ा था। यस सर। क्या आया था वहां पे? बहुत अच्छा श्लोक था। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल का था। योग मांसाम तुजो विद्यात देश कालोपपादितम, वहां पे काल आया था, वहां पे देश आया था और काल आया था, ध्यान दीजिएगा। वो कुछ और कह रहे हैं कि औषधि देते समय देश और काल का विचार करना चाहिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको काल को क्रॉस कराया है। पुरुषम पुरुषम वीक्ष, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सभी की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। तो ये हम लोगों ने सूत्र एक में पढ़ा था, और यहाँ पे क्या बताया हमने आपको, मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्त प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि है युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। ठीक, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष वाला वो अलग याद रखिएगा। लिख लीजिएगा जो वामक द्रव्य का था, वामक द्रव्य उसमें मधुक पिपली निम्ब और एला, मधुक पिपली निम्ब और एला ये चार अलग थे, उसको अलग याद करिएगा। याद करना नहीं याद होगा तो ट्रिक बताएंगे उसको। लिखिए फटाफट, कॉपी पेन उठाइए, फटाफट लिखिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद अगर बुक में कोई चीज छूट जाती है तो हम लोग उससे चर्चा करेंगे। चरक ने साध्य रोगों में प्रयोज्य, चरक ने साध्य रोगों में प्रयोज्य 28 यवागु ब्रैकेट में 22 यवागु प्लस 6 पेया, 22 यवागु प्लस 6 पेया। अट्ठाईस यवागु प्लस 6 पेया का वर्णन फिर लिखिएगा, यवागु में चावल के कण एवं जल का अनुपात रेशियो 1:6 और पेया में 1:14
1:14 रेफरेंस देखिए जगह सुश्रुत ने बताया है, ये रेशियो जो है सुश्रुत का है। पहले जो छह पे आई है उसको लिख लीजिएगा कौन कौन सी है, ऊपर से नीचे लिखिएगा। पाचनी एवं ग्राहणी पेय, पाचनी एवं ग्राहणी पेय, हो गया लिख लिया। आवाज आ रही है ना? यस सर। पाचनी एवं ग्राहणी ब्रैकेट में लिखिएगा पीजी, ब्रैकेट में पीजी डैश करके लिखिएगा। पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जाते समय क्या चाटते हैं, क्या चटाया जाता है? दही चटाया जाता है। दही तो लिखिएगा दधिथ, दधिथ, बिल्व, चांगेरी, दधिथ, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाडिम, साधिता। रिमेम्बर कभी भी आपको एक द्रव्य अलग से नहीं पूछा जाएगा, जब भी यवागु से क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा रखेगा कि दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाडिम, साधिता, ये यवागु किसके लिए बताया है। चलो अगर कोई अच्छा पेपर बनाने वाला रहेगा तो पूरा का पूरा रखेगा, एक द्रव्य बीच में से निकाल के नहीं रखेगा। दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाडिम, साधिता, ये हुआ आपका पाचनी एवं ग्राहणी पेय। आगे बोलन। पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक, पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय, पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक लिखिएगा, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पीके अतिसार, पीके को अतिसार हो जाएगा तब क्या करेंगे, पीके अतिसार लिखिए इसमें। क्वेश्चन में ये आंसर है, प्रश्निपर्णी, प्रश्निपर्णी डैश शालपर्णी, प्रश्निपर्णी डैश शालपर्णी डैश बला बिल्व, बला बिल्व, बला बिल्व, दाडिम अम्ल साधित, दाडिम अम्ल साधित, दाडिम अम्ल साधित, दाडिम के साथ में नारायण चूर्ण का अनुपान किस रोग में था? बताया था हमने उदर रोगों में, उदर विकार, जल्दी बताओ। बात करने से प्रसन्नता होती है, दादी को अर्श होता है, सब धरा का धरा, मत पढ़ो हमारा के लोग। तो यहाँ देखिएगा, हमने आप बुक उठा के देखेंगे तो वहां पहले शालपर्णी आया है, देन प्रश्निपर्णी आया है। हमने क्यों प्रश्निपर्णी पहले किया, शालपर्णी पीछे किया? प्रश्निपर्णी फॉर पी, प्रश्निपर्णी के ऊपर लिखेगा पी, शालपर्णी के ऊपर लिखेगा श्लेष्मा यानी कफ, यानी पीके में पीके हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्निपर्णी, शालपर्णी, पीके, अतिसार। अगला लिखिएगा रक्त अतिसार, रक्त अतिसार, रक्त अतिसार नाशक पेय में लिखिएगा पयस्य अर्धोदके छागे, पयस्य अर्धोदके छागे, पयस्य अर्धोदक यानी कि छाग बकरी के दूध को बोलते हैं, बकरी के दूध को आधा पानी मिला के, पयस्य अर्धोदके छागे, पयस्य अर्धोदके छागे, हिबेर उत्पल नागरे, हिबेर उत्पल नागरे, हिबेर उत्पल नागरे, ये किसके लिए हो गया? रक्तातिसार के लिए। अगला लिखिएगा आमातिसार,
दूध का दूध पानी का पानी किसमें हो गया? रक्त अतिसार में, याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी यानी कि बकरी का आधा दूध और पानी मिलाना है और ह्यूबेर उत्पन्न आकर तो अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना, उसको रक्त अतिसार में देना है। वैसे भी कल हमने जब आपको पहले चैप्टर में क्षीर पढ़ाया था वहां पे एक और आया था शोणित पित्त में प्रयोग करते हैं क्षीर का प्रयोग, याद आ रहा है कुछ ऐसा बताए थे रक्त पित्त में क्षीण, वहां से भी याद रख सकते हैं जो क्षीर वाला है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा हो गया? रक्त अतिसार। फिर इसके बाद अगला लिखिएगा आमातिसार नाशक, आमातिसार नाशक। लिखिएगा अतिविषा, अतिविषा प्लस अम्ल प्लस नागर, अतिविषा प्लस अम्ल प्लस नागर। तो अतिविषा को अति को अंडरलाइन करिएगा और अतिसार के अति को अंडरलाइन करिएगा, अतिसार के अति को अंडरलाइन करिएगा, अतिविषा के अति को अंडरलाइन करिएगा, और ये किसमें है? ये आमातिसार में। नागर याद रखिएगा दो जगह आ गया, हिबेर उत्पल नागर यानी रक्तातिसार में भी है और आमातिसार में भी है, दोनों में है नागर। आगे बढ़ते हैं, मूत्र कृच्छ नाशिनी पेया, ये सब पेया की बात कर रहे हैं। अभी जो छह पेया हमने बताया ये छह पेया लिखा रहे हैं पहले, मूत्र कृच्छ नाशिनी पेया, मूत्र कृच्छ नाशिनी पेया। इसमें लिखिएगा अभी हमने आपको अग्रय का एक बताया प्लांट बताया है, मूत्र कृच्छ अनिल हराड़ाम वही है पहला, उसी को लिखे स्वदंष्ट्रा, उसी का दूसरा नाम क्या है? स्वदंष्ट्रा, ब्रैकेट में गोक्षुर लिख लीजिए उसको, स्वदंष्ट्रा ब्रैकेट में गोक्षुर, कंटकारी, कंटकारी सफाणित यानी फाणित के साथ में, सफाणितम फाणित के साथ में, ये हो गया मूत्र कृच्छ में, यानी कि गोक्षुर हो गया, कंटकारी हो गया, फाणित के साथ में मूत्र कृच्छ में। लास्ट पे कौन सी होगी? वात विकार नाशक, वात विकार नाशक। लघु पंचमूल साधित, लघु पंचमूल साधित, लघु पंचमूल साधित। अगला लिखिएगा, अब यहां से यवागु स्टार्ट होगा, ये पेया हो गई छे, एक लाइन खींचिएगा, अब यवागु लिखिएगा, लिखिएगा दीपनी शूलग्नि, यवागु एक साथ बताया है चरक में, दीपनी और शूलग्नि। किसी कोई क्लास तो नहीं है कॉलेज की? साढ़े नौ से है। हाँ तो पढ़ाएंगे, साढ़े नौ तक पढ़ाएंगे क्योंकि उसको खत्म करना है, दूसरा लेक्चर नहीं लेंगे इसका। दीपनी शूलग्नि, इसमें लिखिए पंचकोल, इसमें पंचकोल का प्रयोग बताया चरक ने, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक और क्या होता है? नागर। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर या सुंठी, तो इसमें दीपनी शूलग्नि में पंचकोल आ गया। फिर दूसरा लिखिएगा तृष्णा शामक, तृष्णा शामक, तृष्णा में लिखिएगा मृद्विका, मृद्विका मुनक्का से स्टार्ट करिए, द्राक्षा मुनक्का मृद्विका जो भी कहना है, मृद्विका डैश करके लिखिएगा इसमें, और सारिवा, सारिवा सारिवा
लाजा पिपली मधुनागर है, लाजा पिपली मधुनागर है। पहला मृदिका याद रखिएगा, जो मृदिका से स्टार्ट हो रहा है वो तृष्णा है, और इसमें भी नागर है, नागर को अंडरलाइन करिएगा। सारिवा क्या है, लैटिन नेम क्या है सारिवा का? हेमिडेस्मस, हेमिडेस्मस इंडिकस। याद रखिएगा सारिवा यह है तृष्णा शामक नाम, ठीक है। तो मृदिका हो गया, सारिवा हो गया, मधु नागर है। अगला लिखिएगा कृमिघ्न, कृमिघ्न यवागु, यानी कोई डिवर्मिंग ऐसा बताइए जो चरक ने सबसे बेस्ट बताया है। डिवर्मिंग अभी बताया था, विडंग क्रमग्न। हाँ तो लिखिएगा विडंग पिपली मूल, विडंग पिपली मूल, शिग्रु वैशोभाजन, शिग्रु मरिच, मरिच अब देखिएगा मरिच भी आ गया, पिपली भी आ गया, नागर नहीं आया, नहीं तो त्रिकटु हो जाता आपका, ठीक है ना। तो विडंग पिपली मूल, पिपली मूल है ध्यान दीजिएगा, पिपली नहीं है, पिपली मूल को अंडरलाइन करिएगा, पिपली नहीं है, पिपली मूल है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मरिचेन च तक्र साधिता, तक्र से साधित, इसको जो है तक्र से साधित करके देना है, तक्र साधिता, तो तक्र को गोला बनाइए। तो कृमिघ्न यवागु में भी तक्र का प्रयोग किया गया है। अगला लिखिएगा विषघ्नि यवागु, विषघ्नि, इसमें लिखिएगा सिर्फ एक सोमराजी, किसका नाम है? शिरीष। अच्छा पढ़ लेना बच्चे पे, सोमराजी। बाकुची के दो तीन नाम बताओ, नहीं बता पाओ, चलो आगे बढ़ो। तो विषग्नि में सोमराजी आ गया है ना, सोमराजी विषग्नि। अगला लिखा कृष्ता नाशक यवागु, कृष्ता नाशक यवागु, कृष्ता नाशक मतलब जो ब्रिंघण कर्म करेगा, जो ब्रिंघण कर्म करेगा वही तो कृष्ता का नाश करेगा। तो लिखिएगा इसमें वराह निर्यूह है, वराह निर्यूह करिएगा, वराह, वराह निर्यूह। वराह किसको बोलते हैं? सूकर को बोलते हैं। वैसे भी हम लोग आग्रह में पढ़ेंगे मांस ब्रिंघणिया नाम, कुक्कुट मांस बल्या नाम, कुक्कुट मांस बल्या नाम, और अलग से बताया है मांस ब्रिंघण। तो मांस को ब्रिंघण बताया है और कुक्कुट मांस को बल्य बताया है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना हमको, आगे पढ़ेंगे। कुक्कुट बल्या नाम है, कुक्कुट मुर्गे को बोलते हैं कुक्कुट बल्या नाम, और मांस ब्रिंघणिया नाम। यहाँ भी ब्रिंघण कर्म करने के लिए मांस का ही प्रयोग बता रहे हैं, और किसका मांस है? वराह का, वराह निर्यूह कृषिता नाशक है ना। तो सूकर का जो मांस है उसकी बात कर रहे हैं, कृषिता नाशक है। अगला लिखेगा कृषिता कारक, कृषिता कारक यवागु, कृषिता कारक का मतलब क्या समझ में आ रहा है सर? लंघन कराएगा, क्रिच, क्रिश बनाएगा, अगर कोई स्थूल व्यक्ति है तो उसको क्रिश करेगा, है ना। तो आग्रह में ही हम लोग एक प्लांट पढ़ेंगे जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में बैजंती भी जानते हैं, क्वाइक्स लेक्रामा गवेधु, तो लिख लीजिएगा गवेधुक कर्षणिया नाम, गवेधुकान, गवेधुकान कर्षणिया नाम, गवेधुकान कर्षणिया नाम, गवेधु इसका लैटिन नेम है, क्वेक्स, COIX, COIX, क्वेक्स लेक्राइमा, क्वेक्स लेक्राइमा। शायद फैमिली पोएसी ही है, ग्रेमिनी पोएसी ही होगी। ये हुआ गवेदुकान कर्षणिया नाम। अब यहाँ देखिए कृष्ता कारक यवागु में भी गवेदुक आया है, इसीलिए हमने लिखाया है।
तो लिखिएगा कृष्णा कारक यवागु में गवेधुका नाम भ्रष्टा नाम कर्षणिया समाक्षिका कर्षणिया समाक्षिका यानी गवेधुक जो है माक्षी किसको बोलते हैं मधु को तो गवेधुक और मधु दोनों को एक साथ मधु गवेधुक और मधु एक साथ देते हैं तो कृष्टा कारक करता है ये ना तो ये हुआ कृष्टा कारक यवागु। हम हर चीज के साथ आपको एक स्टोरी बता रहे हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। हमारा उद्देश्य क्या था कि विषनाशक यवागु में सोमराजी फिर उसके बाद हम आपको सोमराजी का नाम पूछें फिर बाकुची का भी पूछें जिससे आपको याद रहे कि उस समय पढ़ते समय ये थोड़ा सा रेफरेंस इधर उधर की बात हुई थी। जब हम आप बाद में उसको पढ़ते हैं तो हमको याद आती है सब चीजें तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। आगे लिखिएगा स्नेहार्थ यवागु स्नेहार्थ सर्पी तिल सर्पी तिल लवण सर्पी तिल एवं लवण इनका प्रयोग है स्नेहार्थ। अगला लिखिएगा रूक्षणार्थ इसी का उल्टा रूक्षण करने के लिए कौन सी यवागु का प्रयोग बताया है कुशा आमलक डैश श्यामक ये विरुक्षण के लिए बताया है। तो कैस भी याद कर सकते हैं KAS के फॉर कुशा ए फॉर आमलक और एस फॉर श्यामक। तो कैस ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा आदमी टेंशन में रहेगा रुक्षण हो जाएगा है ना तो कैसे रुक्षण हो जाएगा याद रखिएगा। अगला है पक्वाशय शूलग्नि अगर पक्वाशय में ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है पक्वाशय शूलग्नि यम के मदिरा सिद्धा इसमें लिखेगा यम के मदिरा सिद्धा यमक क्या होता है और दो कोई भी दो इसने यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा ये हुआ पक्वाशय के शूल में प्रयोग किया जाने वाला कहीं का भी शूल रहे मदिरा का प्रयोग करिए शूल चला जाए तो यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय तो मदिरा जो है पक्वाशय में है याद रखिएगा। ग्राही यवागु अगला लिखिएगा ग्राही यवागु जाम्बो और आम्र जाम्बो जो जामुन होता है सिजियम जामुन और आम्र अस्थि यानी गुठली उसकी बात कर रहे हैं जामुन और आम की गुठली डैश करके और लिखिएगा उसमें दधी जो हम लोगों ने पीजी में पढ़ा था वहां भी ग्राहिणी था ना याद आ रहा है पीजी में भी दधी आया था yes, sir. वो पाचनी ग्राहिणी पेया थी और यहाँ पे क्या है ग्राही या वागु अलग से है ध्यान दीजिएगा पीजी अलग से है और ग्राही या वागु अलग से है। ग्राही या वागु में जामुन और आम की गुठली है दधी है बिल्व आएगा इसमें बिल्व ये हुआ ग्राही का। अगला लिखिएगा रेचक यवागु इसी का उल्टा हो जाएगा ग्राही का मतलब रोकने वाला और रेचक का मतलब रेचन कर्म करने वाला तो रेचक लिखिएगा शाकैर मासै जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए शाकै शंकर जी वाला शाकैर मासै स यहाँ पे दूसरा वाला जो मासै के बाद स रहेगा वो संजय वाला स रहेगा शाकैर मासै मासै क
फिर इसके बाद लिखिएगा बगल में तिल माशय, तिल माशय, यहाँ पे खटपोड़ वाला श रहेगा, षड्यंत्र वाला, तिल माशय तिलमाशय सिद्ध, सिद्ध मतलब इनसे सिद्ध या वागु जो होगा, सिद्ध वर्चो निरस्यति, वर्चो निरस्यति यानी वर्च यानी मल को बाहर निकालेगा, वर्चो निरस्यति। तिल मास को अंडरलाइन करिएगा, तिल मास रेचन कर। तो रेत से याद करिएगा, रेत 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 से रेचन और त से तिल, रेत। इसके बगल में नीचे लिखिएगा भेदनी या वागु, भेदनी, भेदनी या वागु, छार चित्रक, छार चित्रक, हिंगु अम्लवेतस, हिंगु अम्लवेतस, ये भेदनी या वागु। आगे हम लोग भेदनीय महाकषाय भी पढ़ेंगे तो कुछ द्रव्य उसमें भी मिलेंगे, तो उसको भी हम आपको याद कराएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हिंगू और अम्लवेतस, छार और क्या बोला हमने एक और चित्रक, तो छार हो गया, चित्रक हो गया, हिंगू हो गया और अम्लवेतस, ये हो गया भेदनी में। हमने आपको अभी वात विकार नाशक पेय लिखाया था, वात विकार नाशक, जिसमें हमने आपको लघु पंचमूल बताया था। यस सर। यहाँ लिखिएगा आगे वात अनुलोमनी या वागु, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। वात विकार नाशक पेय था, ये वात अनुलोमनी या वागु बता रहे हैं। लिखिएगा इसमें वात अनुलोमनी या वागु। अब भैया दोनों पे स्टार बना लीजिएगा, जो एक जैसे हम बोले तो उसमें तुरंत स्टार बना लीजिए, जिससे याद रहे कि हाँ ये और ये हमको एक साथ पढ़ना है। लिखिएगा इसमें अभया यानी हरित की, अभया पिपली मूल, अभया पिपली मूल, विश्व, विश्व किसको बोलते हैं, विश्व है सुंठी, सुंठी को, हाँ तो अभया पिपली और सुंठी या विश्व कर लीजिए उसका। हमने बनाया था अभय के पापा सुनो, बात का अनुलोमन करा लो, ऐसा कुछ बनाया था, मुझे याद आ रहा, अभय के पापा सुनो बात का अनुलोमन करा लो, बढ़िया फार्मूला है ना, अभय के पापा सुनो। तो अभय से हो गया अभया, पापा से हो गया पिपली मूल और सुनो से हो गया सुंठी। आगे घृत व्यापद नाशक, घृत व्यापद नाशक यानी अगर बहुत ज्यादा स्नेहन घृत से हो गया है, जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको कैसे कम करेंगे, उसके लिए घृत व्यापद नाशक। तक्र सिद्ध या वागु, तक्र कहाँ कहाँ आया है सब एक साथ लिख लीजिएगा, तक्र सिद्ध या वागु। अगला लिखिएगा तैल व्यापद, अगर तैल से ज्यादा स्नेहन कर दिया है तब वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और बढ़ जाएगा, तक्र पिन्याक। पिन्याक क्या होता है किसी को पता है सर? वो खली जो होती है, तिल की जो खली होती है, तिल की खली, खली या तो सरसों में निकलेगा या तिल में निकलेगा, जिससे हम तेल बनाते हैं, इसलिए भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। केवल तक्र वाला घी तो हो गया, जिसमें खली आ गया वो तेल वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो तक्र पिन्याक साधित तैल व्यापद में हो जाएगा और घृत व्यापद में अकेला तक्र रहेगा, क्लियर। तो तक्र और घृत को, सॉरी घृत और तैल व्यापद एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, घृत और सॉरी तक्र साधित और तक्र पिन्याक साधित। अगला लिखिएगा क्षुधा नाशक, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एक पेया बताई थी तृष्णा नाशक, वो प्यास था, अब यहाँ भूख की बात कर रहे हैं, फटाफट करो, बहुत देर से बोल रहे हैं, आज बहुत लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, आज इसको खत्म करना है, छोटे चैप्टर में दो लेक्चर लेना सही नहीं। क्षुधा नाशक यवागु, लिखिएगा इसमें अपामार्ग क्षीर, अपामार्ग क्षीर डैश गोधारस, अपामार्ग क्षीर
डैश गोधा रस। अगला लिखिएगा कंठ रोग, कंठ में अगर कोई रोग है तो उसके लिए कौन सी अवागु बताई है। कंठ रोगों में लिखेगा यवा नाम यमके, यवा नाम यमके, यवा नाम यमके, यव और यमक। अभी इसमें कुछ और है, पिपली आमलक, यवा नाम यमके पिपली आमलक, यवा नाम यमके पिपली आमलक। ये जो बोलने जा रहे हैं ये लिखिएगा विषम ज्वरग्नि, विषम ज्वरग्नि। यहाँ थोड़ा सा मुझे इस संहिता में सबसे गंदा मुझे यही लगता है, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सबसे वर्स्ट लाइन यही लगती है पूरी चरक संहिता में। यवानाम यमके के बाद विषम ज्वरग्नि, गव्य मांस रस है, गव्य मांस रस है, गव्य मांस रस है, स अम्ला अम्ल के साथ में। अगला लिखिएगा शिष्ण पीड़ा शामक, शिष्ण पीड़ा नाशक, यानी मूत्रेंद्री में अगर पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को शमन करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ताम्र चूड रसे, ताम्र चूड रसे सिद्ध, ताम्र चूड रसे सिद्धा। पूरा स्ट्रोक लिखा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट है, ताम्र चूड रसे सिद्धा, रेतो मार्ग रुजापहा, रेतो मार्ग रुजापहा, रेतो मतलब शुक्र मार्ग में अगर रुजा यानी वेदना हो रही है तो उसका शमन करेगा कौन, ताम्र चूड़ा रस, ताम्र चूड़ा रस। अगला लिखिएगा वाजीकरण यवागु, हमने आपको बताया था कि श्रेष्ठ रसायन आचार्य चरक ने कौन सा बताया है, वही यहाँ पे आ रहा है वाजीकरण यवागु में, स माश विदला, स माश खटकोड़ वाला उड़द वाला, स माश विदला, स माश यानी उड़द के साथ, स माश विदला वृष्या, वृष्या घृत क्षीरोपसाधिता, घृत क्षीरोपसाधिता, घृत क्षीरोपसाधिता। फिर लास्ट लिखिएगा मदहर या वागु, मदहर अगर कोई मद में है तो क्या करेंगे, उपाय करेंगे, मद में उपाय, लिखिए ट्रिक बता रहे हैं, मद में उपाय, उपाय क्या हुआ, उपोदिका, मदहर या वागु उपोदिका दधि, उपोदिका प्लस दधि सिद्ध यवागु, उपोदिका प्लस दधि सिद्ध यवागु। फटाफट किताब खोली जो हमने आपको लिखाया, फटाफट मार करा दें खत्म। श्लोक नंबर 8 देखिएगा, नंबर नहीं पढ़ा है श्लोक में, शूलनाशक यवागु मिला, यस सर। तो ये शूलग्नि और दीपनी एक साथ हो गई, देखिए भले उसमें शूलनाशक यवागु पड़ा हुआ है उसको, लेकिन दीपनी भी लिख लीजिएगा, अग्निदीपन और शूलग्न दोनों है ये। तो पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागर पंचकोल आया है, ठीक है, हो गया। विमर्श yes, में, विमर्श में देखिएगा चक्रपाणी का एक लिखा हुआ गया, तीक्ष्ण वीर द्रव्य का एग्जाम्पल सोंठ हुआ है ना, मध्यम वीर में बिल्व दे रखा होगा और मृदु में आंवला दे रखा होगा, मिला, यस सर, यस सर। तो हमने एबीएस याद करा था, एबीएस एक ट्रिक उसका लिख लीजिए, कंफ्यूजन होता है कौन सा किसमें है, तो एबीएस, ए से आंवला हो गया, बी से बिल्व हो गया और एस से सोंठ हो गया, तो मृदु मध्यम और तीक्ष्ण, पिक्चर अभी बाकी है, मृदु मध्यम तीक्ष्ण ऊपर से नीचे बनाइए वर्टिकल में, मृदु मध्यम और तीक्ष्ण, तो मृदु के बगल में क्या हो गया, आंवला, मध्यम के साथ बिल्व, तीक्ष्ण हो गया सुंठी, तीसरे कॉलम में मात्रा लिखिए, कितना कितना बताया है, 1, 2 का 4, 1, 2 का 4, सबसे कम मात्रा किसकी होगी, तीक्ष्ण की, जो तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण द्रव्य की मात्रा हमको कम रखनी पड़ेगी ना,
नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। हाँ तो एक तोला लिखिएगा तीक्ष्ण वाले में, कौन सा? सोंठ। एक तोला, दो तोला किसमें आएगा? मध्यम में। और चार तोला किसमें आएगा? मृदु में। 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 याद रहेगा कौन सा 1 था कौन सा 4 था। वहां पे अपना दिमाग लगाओ कि तीक्ष्ण वीर द्रव्य कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। एक कर्ष बराबर एक तोला होता है, ये भी लिख लो। एक कर्ष बराबर एक तोला, ऊपर और एक लिखो, बहुत कंफ्यूजन होता है यूजी के बच्चों को। 41 ऊपर लिखो बिल्कुल, 41 41। तो चार के नीचे लिखिएगा तो, चार के नीचे लिखिएगा तो, और एक के नीचे लिखिएगा प, इकतालीस तोप की सलामी, 41 तोप की सलामी। बता रहे हैं क्या है? चार के साथ क्या लिखा आपने? तो लिखा है ना, चार तोला बराबर एक पल। जब आप 41 तोप याद रखेंगे, 41 तोप की सलामी, तो चार तोला में एक पल नहीं कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो कर्ष और तोला एक ही बात हुई, कर्ष कहिए चाहे तोला, 1, 2 का 4 याद रखिएगा। चलिए आइए, थोड़ा सा विमर्श में आ गया तो बता दिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 41 तोप याद रखिएगा। नीचे देखिएगा, पीजी में हमने आपको बताया था, पीजी एग्जाम देने जाएंगे तो दही खा के जाएंगे, बिल्व आया है उसमें, ठीक है? फिर उसी के बाद आया है वात अतिसार में। अब उसमें देखिए लिखा है सवाते पंचमूलिकी, तो वात विकार नाशक, उन्होंने विमर्श में उसको अतिसार डाल दिया, वो गलत है। तो वात विकार नाशक पेय में हमने आपको लघु पंचमूल अभी लिखाया था, वही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, विमर्श में सब आया है लघु पंचमूल वगैरह, देख लेना उसको। फिर आया है पित्त श्लेष्म अतिसार अग्नि पेया, तो पी के, हमने पी के में आपको लिखाया, पी से क्या हो गया? प्रश्नपर्णी। तो प्रश्नपर्णी के ऊपर लिख लीजिएगा पी, और शालपर्णी के बगल में लिख लीजिएगा श्लेष्म, याद रहेगा पी के, तो नाम में ही है उसका आंसर, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है? आगे बढ़े अगले श्लोक में, 21 में देखिएगा, रक्त अतिसार अग्नि पेया, पयस्य अर्धोदक। रक्त में हमने बताया दूध का दूध, पानी का पानी, हिबेर उत्पल नागर। फिर इसके बाद आता है आमातिसार, ये सब आपको लिखा चुके, मूत्रकृच्छ वाले में सौधंष्ट्रा बता दिया हमने आपको, कृमिघ्न में विडंग वाला हमने आपको लिखाया, और वो विडंग, वो जो कृमिघ्न है तक्र सिद्ध, तो तक्र सिद्ध को अंडरलाइन करिएगा, तक्र सिद्ध को अंडरलाइन करिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। 23 नंबर श्लोक देखिएगा और 30 नंबर, 23 और 30 क्या कॉमन मिल रहा है फटाफट बताइए, 23 और 30 में क्या कॉमन है? चक्र सिद्ध दोनों में। हाँ तो याद रखिएगा, वहां विडंग के साथ में है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चक्र सिद्धा घृत व्यापद नाशनी, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, पिपासा में हमने आपको मृदिका बताया था, सोमराजी देखिए विषग्नि वाले में आया होगा, तो जहाँ पे 24 नंबर श्लोक में पिपासाग्नि लिखा हुआ है, पिपासाग्नि के बाद एक खड़ी लाइन खींच दीजिए, जिससे ये पता रहे कि पिपासाग्नि तक का ये है, फिर विषग्नि का अलग हो गया है, सोमराजी विषग्नि हो गया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया है वराह निर्यूह, सुअर वाला जो बताया हमने, ब्रिंघण करेगा मिला, उसी के बगल में है गवेधु का नाम, कर्षण या नाम गवेधु, yes, बताया हमने कर्षण करेगा क्वैक्स लेक्राइमा। फिर नीचे देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, रुक्षण, कैश रखेंगे तो रुक्षता हो जाएगी, तो देखिए उसमें आया कुश आमलक मिला, yes, कुश मूल आमलक और शामक के साथ में। आगे देखिएगा 27 नंबर श्लोक को दो पार्ट में बांटिए, 27 नंबर श्लोक को दो पार्ट में बांटिए, शायद ये वहां पे जो हमने आपको लिखाया वहां पे नहीं आया था, फर्स्ट वाला नोट कर लीजिएगा, वहां पे आया तो था नहीं आया था। श्वास कास और पक्वाशय शूल में दशमूल सिद्ध या वागु, श्वास कास पक्वाशय सिद्ध, जो फर्स्ट हाफ है वो श्वास कास कफापहा, श्वास कास कफापहा है, यानी श्वास कास और कफज विकार में दशमूल का प्रयोग आया है। और यम के मदिरा सिद्ध हमने बताया, मदिरा कहाँ पे देंगे? पक्वाशय में शूल,
ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। पहला वाला दशमूल वाला हिक्का श्वास काश और यमके मदिरा सिद्धा, यमक स्नेह बताया, मदिरा सिद्धा। चावल का प्रयोग अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यवागु में चावल और पानी का रेशियो क्या होगा, तो उसमें सब में चावल लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही नहीं बात हमारी? यस सर। हाँ, तो उसमें देखिए हिंदी में चावल लिखा है, उससे परेशान मत होइएगा, इस श्लोक में तो चावल आया ही नहीं, तो कहाँ से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सारक की बात करते हैं। ये हम आपको लिखा चुके हैं, शाक मांस तिल तेल आया था ना, तिल तेल वाला, उसको यहाँ से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जामुन और आम का बताया हमने, ग्राही का कार्य करेगा। वहीं पे दधि भी आ गया, दधि हमने पीजी में भी बताया था। फिर भेदनी हमने बताया, एक महाकषाय भी बताएंगे जहाँ हिंगू और अम्लवेतस बताएंगे। क्षार और चित्रक भी भेदनी में है, याद रखिएगा। फिर अभय के पापा सुनो बात अनुलोमिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तक्र सिद्ध यवागु और तक्र पिन्याक साधित विषम जो रग्नि में देखिएगा, गव्य मांस हमने जो बताया मुझे सबसे गंदा लगता है। फिर कंठ में यवा नाम यम के, तो यमक जो है दो जगह मुझे मिला अभी अभी, एक तो यमके मदिरा सिद्धा 27 नंबर को स्टार बनाइए, और आप यहाँ पे 31 को स्टार बनाइए, यहाँ भी यमके है पिपली आमल के श्रिता, ये दोनों एक साथ याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं 32 पे, ताम्र चूड़ा रस, कुक्कुट को भी कुक्कुट मांस कहिए चाहे ताम्र चूड़ा, बाद मुर्गे के लिए आता है, तो ताम्र चूड़ा मुर्गा हो गया। रेतो मार्ग मतलब अगर रेतो मार्ग में अगर वेदना हो रही है तो मुर्गे के मांस सिद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा अगला हाफ, सेकेंड हाफ है समाश उड़द विदला वृक्ष, हमने आपको बताया वृक्ष कौन होगा, घृत क्षीर वाला, मिला कि नहीं मिला 32? यस सर। उपाय किसका करेंगे, मद में कोई अल्कोहल पी के आएंगे तो उसका उपाय किया जाता है, तो उपोदिका वाला मद विनाशनी, तो उपोदिका मद विनाशनी, उपोदिका को अंडरलाइन करिए, मद विनाशनी को अंडरलाइन करिएगा। और लास्ट में आया है क्षुधा की बात, तो क्षुधा में गोधा रस है, गोधा गोह को कह रहे हैं, यहाँ गाय से मत लीजिएगा, यहाँ गोह है, गोधा रस है। और अपामार्ग की भी बात यहीं आई होगी, देखिएगा अपामार्ग क्षीर, अपामार्ग जो है एक यवागु में बताया इन्होंने, क्षुधा नाशक। और लास्ट में आया है स्मृतिमान, लास्ट श्लोक देखिएगा, स्मृतिमान हेतु युक्त ज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान, मिला लिख लीजिए वहीं पे, चिकित्सा अधिकारी की परिभाषा है वो, चिकित्सा अधिकारी की परिभाषा या चिकित्सक की विशेषताएं या अर्हताएं, चिकित्सक की अर्हताएं, चिकित्सा में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें आया होगा स्मृतिवान हेतुज्ञ युक्तिज्ञ जितेंद्रिय और प्रतिपत्तिमान। प्रतिपत्तिमान का मतलब होता है समय के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला, ये नहीं कि बस वहीं सोचते रहें करें कि ना करें, करें कि ना करें, ये आया है ये योग्य है कि अयोग्य है, आधे घंटे एक घंटे विचार करते रहे और बेचारा पेशेंट निकल लिया। तो इस तरीके से दूसरा चैप्टर शाम को हम लोग या तो यही पढ़ेंगे या तो पंचकर्म पढ़ेंगे, जैसा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, अगले लेक्चर में चरक सूत्र 3 या पंचकर्म कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। Thank you, sir. एंड करें, कुछ पूछना है शाम को पूछना, तुम लोग क्लास भी होगी ना, बहुत लंबा टाइम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर।